उनकी ब्यूटी, उनका स्टाइल, उनकी सिंप्लिसिटी देखने वाला था और उनका भोलापन आहा दर्शकों का मन मोह लेता था। वो एक एजुकेटेड अभिनेत्री थी और उनका चेहरा इतना खूबसूरत था कि वो किसी भी बड़ी से बड़ी फिल्म स्टार से कम नहीं दिखती थी। तुम्हारा नाम? कह सकते हो कि ये उन कलाकारों में से थी जिनके बिना फिल्म जगत अधूरा सा लगता है। आज भी जब पुरानी फिल्मों की बात होती है तो लोग इनको हमेशा याद करते हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा कई भारतीय भाषाओं में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा और देश भर में सुपरहिट हो गई। नहीं देखते तो ना देखें। मुझे फिकर पड़ी है तेरे हाथ पीले करने। हल्दी के डिब्बे में हाथ डालती हूँ हो जाएंगे पीले। मेरी जान जल रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है। न जाने कैसे ग्रह पड़े हैं तेरी कुंडली। लेकिन क्या आप जानते हैं 1970 के दशक की इस अभिनेत्री को कभी भी नंबर वन हीरोइन का दर्जा मिला ही नहीं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो ये फिल्मों में टॉप की हीरोइन नहीं बन पाई। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो बनी रहिए हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड इतिहास पर। दोस्तों 1970 के दशक में इन्होंने हिंदी फिल्मों से अपना फिल्मी सफर शुरू किया था। इनका फिल्मी सफर साल 1967 से शुरू होकर साल 1983 तक चला। अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये साल 1990 तक में सक्रिय रही, जिसमें कि इन्होंने हिंदी के अलावा और भी बहुत सारी भाषाओं में फिल्मों में काम किया है। इनकी फिल्मों की गिनती लगभग 40 या 42 ही रही होंगी, जिसमें लगभग 36 फिल्में हिंदी भाषा की रहीं और इन्होंने शादी के बाद एक दो फिल्मों में और काम किया। साल 2003 में आई फिल्म बनाना ब्रदर्स उनमें से एक फिल्म रही थी। मुझे हर इंडियन लिबास से नफरत है। तुम्हें मोहब्बत किस चीज से है? उस धोखेबाज से जो तुम्हारे 5 लाख पे हाथ साफ कर गया। तुम्हें कैसे मालूम? राधा सलूजा फिल्म संपादक रेणु सलूजा की छोटी बहन है। इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया था। इनकी सबसे छोटी बहन डॉक्टर कुमकुम खडालिया मुंबई की एक जानी मानी प्लास्टिक सर्जन है जो बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में नियुक्त है। लेकिन फिल्मों में पहले राधा सलूजा ने काम करना शुरू कर दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास और मैं हूं इतिहासकार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं 1970 की मशहूर अदाकारा राधा सलूजा की, जिनकी फिल्मों की चर्चा आज भी होती रहती है। राधा सलूजा का जन्म 11 नवंबर 1954 को दिल्ली में हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। इनके भाई HL सलूजा एक्टर और फिल्मकार हुआ करते थे। HL सलूजा ने साल 1986 में बनी फिल्म खामोश, 1989 में बनी परिंदा और साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के निर्माण में सहयोग के लिए भी काम किया था। उन्होंने फिल्म परिंदा में एक छोटी सी भूमिका भी निभाई है। हेलो किशन है, मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। एक मिनट किशन भाई, आपके भाई का फोन है। राधा सलूजा का बचपन में नाम रीता था जो बाद में फिल्मकारों ने बदल दिया। उन्होंने अपने शुरुआती दौर की दो फिल्मों में काम किया अपने असली नाम से। उनमें से पहली साल 1967 में आई फिल्म मोहब्बत और जंग, इनकी दूसरी फिल्म राखी थी जो 1969 में रिलीज हुई। राधा सलूजा फिल्मों में अपना बहुत नाम कमाना चाहती थी। इनका सपना टॉप की हीरोइन बनने का था, मगर अफसोस ऐसा हो न सका। फिर भी इन्होंने अलग अलग भाषाओं में जैसे पंजाबी, तमिल, बंगाली, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ आदि फिल्मों में काम किया। ये फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की पूर्व छात्रा भी रही हैं। राधा ने फिल्म दो राह से अपना डेब्यू किया था। 1971 में आई फिल्म लाखों में एक, जिसका एक गाना चंदा ओ चंदा इन्हीं पर पिक्चराइज किया गया है, जिसको लता मंगेशकर ने गाया और संगीत दिया था RD बर्मन ने, जो उस दौर का सुपरहिट गाना था।
मगर इनको पहचान मिली साल 1973 में आई फिल्म चालाक से। इसी फिल्म से हिंदी फिल्मों के चरित्र अभिनेता जीवन के बेटे किरण कुमार ने अपना डेब्यू किया था। राधा और किरण कुमार पर पिक्चराइज किया गया ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ। दिल का नजराना ले ओ दिलदार ले, दिल की निशानी ले। और इसी साल किरण के साथ इनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था आज की ताजा खबर। ये फिल्म खासतौर से असरानी के अभिनय के लिए जानी जाती है, लेकिन ये फिल्म ज्यादा चल नहीं पाई। ये दोनों फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और इसका ज्यादा नुकसान किरण कुमार को हुआ। चालाक फिल्म का एक गाना अपने दौर में बहुत पॉपुलर हुआ था। गीतकार हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत, जिसको संगीत से सजाया था संगीतकार गणेश ने, और इस फिल्म का निर्देशन किया था आर के बैनर्जी और टी एन शर्मा ने। फिल्म में इनके साथ और भी कई बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया, जैसे अजीत, डैनी, प्राण और जगदीश राज आदि। इंदिवर के लिखे हुए इनकी फिल्म दोहरा के गाने भी दर्शकों को बहुत पसंद आए। गीतकार इंदिवर का लिखा हुआ और सगमोहन के संगीत से सजा ये गीत तुम रहनुमा हो मेरी जिंदगी के, आशा जी की आवाज में गाया हुआ ये गाना बहुत लोकप्रिय हुआ। अनिल धवन के साथ इनके ऊपर फिल्माए गए गाने और भी पॉपुलर हुए थे। इनकी शुरुआती फिल्में तो कुछ पहचान इन्हें नहीं दिला पाई, मगर 1971 में आई फिल्म दो राह से लोग इनको पहचानने लगे थे, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा, अनिल धवन जैसे कलाकार मौजूद थे। फिल्म दो राह का ये गीत भी इंदिवर का लिखा हुआ सपन जगमोहन के संगीत से सजा ये गीत डोले झुमका मोरा बोले प्यारा कंगना, आशा जी की आवाज में गाया हुआ ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ था। राधा सलूजा की साल 1973 में आई फिल्म एक मुट्ठी आसमान का एक गाना लोगों के दिलों और दिमाग पर छा गया था, जिसके बोलते प्यार कभी कम ना करना सनम। फिल्म एक मुट्ठी आसमान में विजय अरोड़ा और योगिता बाली के साथ राधा सलूजा भी थी, जिनके ऊपर यही गाना पिक्चराइज किया गया था। फिल्म के डायरेक्टर थे वीरेंद्र सिन्हा। इन्हीं के नाम से एक टीवी सीरियल जी टीवी पर साल 2013 में दिखाया गया, जो बहुत पॉपुलर हुआ था। ये साउथ के डायरेक्टर एम जी रामचंद्रन के साथ अपने फिल्मों के लिए जानी जाती थी। तमिल में बनी एम जी रामचंद्रन की दो फिल्में इथायाकन्नी और इंदु पोल एंड्रम वाजगा, दोनों फिल्में तमिल में ब्लॉकबस्टर रही थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म टाइगर में एन टी रामाराव और रजनीकांत के साथ भी काम किया है। 1970 के दशक की शुरुआत की अगर हिंदी फिल्मों की बात करें, आज की ताजा खबर, पंजाबी फिल्म मन जीते जगजीत, दुख भंजन तेरा नाम, मन जीते जगजीत भारत में एक सिखों की धार्मिक फिल्म थी। इस फिल्म में बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया था, जैसे धर्मेंद्र, सुनील दत्त, दारा सिंह और ओम प्रकाश आदि। शत्रुघ्न सिन्हा और अनिल धवन के साथ उनकी फिल्म दोहरा ने उन्हें लोकप्रियता दिलवाई। हिंदी फिल्म हार जीत, एक मुट्ठी आसमान और उनकी पंजाबी फिल्म मोरनी इनकी प्रसिद्ध फिल्मों में से एक है। इन्होंने एक और पंजाबी फिल्म दुख भंजन तेरा नाम में सुनील दत्त के साथ भी काम किया था। साल 1973 में शेरनी, 1975 में मोरनी और 1975 में ही आई मित्र प्यारे नू कुलवंत, डेरानी जेठानी आदि पंजाबी फिल्में की। मगर इनकी हिंदी फिल्मों की बात करें तो इन्होंने बहुत सी चर्चित हिंदी फिल्मों में काम किया है, जैसे शिमला रोड, दोहरा, लाखों में एक, हार जीत, मानवता, चोरी चोरी, आगे बढ़ो, एक मुट्ठी आसमान, चालाक, आज की ताजा खबर, वही रात वही आवाज, जीवन संग्राम, गाल गुलाबी नैन शराबी, कसम अली बाबा, जय द्वारकाधीश, अभी तो जी लें, जाएं तो जाए कहां, सजाए मौत, मेला, आंचल रजिया सुल्तान, बनाना ब्रदर्स, ऐसी ही कुछ फिल्में भी हिट रही। कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान इनकी आखिरी चर्चित फिल्मों में से एक थी। राधा सलूजा को हिंदी सिनेमा में वो मुकाम नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार थी। उन्होंने उस दौर के बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया था। लगभग 17 साल फिल्म इंडस्ट्री में गुजारने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उनको फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो अमेरिका के लॉस एंजलिस चली गई। वहां पर उन्होंने रेडियो कार्यक्रम के मेजबान
शमीम जैदी से शादी की और अमेरिका की नागरिकता ले ली। वहां उन्होंने दो म्यूजिकल ग्रुप के साथ एक गाना भी गाया जो पूरे अमेरिका में उस ग्रुप द्वारा फेमस हो गया। वहीं पर रहते हुए वो नौकरी करने लगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने के दौरान उन्होंने लॉस एंजलिस कोर्ट में एशियाई भाषाओं के लिए विशेष दुभाषिया के रूप में संघीय कानून सेवाओं के साथ काम किया। उन्होंने इंडिया टुडे को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया था, जब वो वहां पर सलवार कमीज पहनकर अपने ऑफिस जाती थीं, तो उनको देखकर लोग मुस्कुराते थे। इनका भारतीय पहनावा वहां के लोगों को बहुत अच्छा लगता था। इनकी बड़ी बहन रेनू सलूजा ने भी अभिनेत्री के तौर पर फिल्मों में काम किया। इनकी शादी जाने माने फिल्म डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा से हुई थी और बाद में इनसे रेनू का तलाक हो गया था। इनकी दूसरी शादी फिल्मकार सुधीर मिश्रा के साथ हुई है। राधा सलूजा 81 में विदु विनोद चोपड़ा द्वारा बनाई गई फिल्म सजाए मौत में भी नजर आई थी। विदु विनोद चोपड़ा निर्देशित इस फिल्म सजाए मौत को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था, बहुत सराहा था। ये FTII पुणे में चोपड़ा की अपनी डिप्लोमा फिल्म मर्डर एंड मंकी हिल जो 1976 में आई थी उसकी पूरी रीमेक थी। आजकल अब वो क्या कर रही हैं इस बारे में किसी भी मीडिया में कहीं पर भी कोई जानकारी नहीं मिलती। आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप हमारा चैनल प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हम आपकी सेवा में जुड़े रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपके पास राधा सलूजा से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो प्लीज 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 हमसे शेयर करें, कमेंट करें, हमें इंतजार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, राम राम।